तो अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया कि गुजरात में सीधे तौर पर आप वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है, कांग्रेस का तो नामो निशान नहीं है, लेकिन कांग्रेस भी अपना मोर्चा साधे हुए है। कल नर्मदा जिले में मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही अशोक गहलोत ने एक रैली की और जिसमें सीधे तौर पर अशोक गहलोत ने कहा कि अब सत्ता परिवर्तन के लिए गुजरात तैयार है। वहीं खड़गे ने सीधे तौर पर पीएम पर निशाना साधा। आपके जैसा आदमी जो आप हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूं, मैं वो, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं, कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई। और फिर बार आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे को किसने गालियां दिया, मेरी किसी ने कुछ कहा, मेरे को कुछ, तेरी हैसियत क्या है का। अरे ऐसे बात कहे कह के अगर आप सिंपति जमाने की कोशिश करें तो लोग अब होशियार हो गए, उतने बेवकूफ नहीं है। गुजरात के अंदर माहौल कांग्रेस पक्ष में है, सरकार विरोधी लहर चल रही है गुजरात के अंदर। पिछली बार में राहुल गांधी जी के साथ में प्रभारी था आपका, तब जो सरकार के खिलाफ माहौल था उससे ज्यादा माहौल इस बार गुजरात में दिख रहा है। और इसीलिए आप देखते हो प्रधानमंत्री मोदी जी बार 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 यहां आ रहे हैं, हर वीक आते हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जा रहे हैं, जो कहावत है। पौलमी साहा मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही है। पौलमी देखिए, कल हुई सूरत की रैली से ये साफ हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कितनी है गुजरात में, किसी से छुपा नहीं है। फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किस आधार पर ये दावा कर रही है कि यहाँ पर सत्ता विरोधी लहर चल रही है? जी नेहा, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है एक माहौल तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कैंपेन ग्राउंड पर, अगर कांग्रेस की आप बात करें तो साफ तौर पर कोई बज नहीं है। एक वो कह रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर है, इसमें कांग्रेस को फायदा होने वाला है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, पर जो 2017 में हमने देखा था जिस तरह से कांग्रेस लड़ी थी भाजपा से, जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले 30 सालों में अपना सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया था, 77 सीट्स लाई थी कांग्रेस पार्टी, उस तरह का माहौल 2022 में नजर नहीं आ रहा है ग्राउंड पर। मल्लिकार्जुन खड़गे अब आए हैं, वो कैंपेन कर रहे हैं। अशोक गहलोत कुछ ही बार आए हैं, वो राजस्थान संभालने में ज्यादा बिजी है, कांग्रेस के प्रभारी हैं गुजरात के, पर उतना उन्होंने यहां पर उनको देखा नहीं गया है। राहुल गांधी बस एक बार कैंपेन कर गए हैं सूरत और राजकोट में, बाकी कोई ऐसे नामचीन नेता नहीं है कांग्रेस के जो उतरे हैं यहां पर जमीन पर। आम आदमी पार्टी की बात करें तो हाँ, यहां पर आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से कैंपेन कर रही है। अरविंद केजरीवाल हो, भगवंत मान हो, संजय सिंह हो, राघव चड्ढा हो, पूरी तरह से कैंपेन करने की कोशिश भी कर रही है, और उनके कुछ ऐसे नेता भी हैं जिनका अपना भी वर्चस्व है, जो एक तरह से थोड़ा डोमिनेट भी कर रहे हैं जिन सीट से वो लड़ रहे हैं, जैसे कि सूरत की जो सीट है वराचा, करंज, काटरगाम, जहां से ओलपाड़, जहां से गोपाल इटालिया जो यहां के प्रदेश अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के, वो लड़ रहे हैं, अल्पेश कठेरिया हो, धार्मिक मलाविया हो, ये सारे जो है वो लड़ रहे हैं वहां से, वो पाटीदार नेता, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है पाटीदारों का, और वो पाटीदार नेता के तौर पर उभरे थे हार्दिक पटेल के साथ 2015 में। तो उन्होंने थोड़ा बहुत बीजेपी के नाक में इस अर्बन सेंटर में थोड़ा दम तो कर रखा है, और कुछ सीटों में सौराष्ट्र में जहां पर आम आदमी पार्टी ऐसा है कि कांग्रेस की वोट बैंक में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो आदिवासियों का वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है। यहाँ पर कुछ जगहों पर सौराष्ट्र में आम आदमी पार्टी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, उसके बिना पर वो कह रहे हैं कि हम टक्कर तो दे रहे हैं, पर भाजपा जिस तरह से ग्राउंड पर उतरी है नेहा, काफी मुश्किल होगा भाजपा की 27 साल के इस रिकॉर्ड को तोड़ना। बिल्कुल बिल्कुल, 27 साल के रिकॉर्ड को तोड़ना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, और यहां पर जब आप ग्राउंड पर पहुंचेंगे तो आपको ये महसूस भी होगा।